और ऋणी उनका हूँ जी जो ब्लड दान करते हैं, दाता हैं वो जी, हमारे लिए हमारे बच्चों लिए असल दाता वो है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं मानव सेवा संगम में। कहते हैं इस हॉस्पिटल का जैसा नाम है वैसा ही काम है, मानवता की सेवा करना। आप हमारे पीछे देख सकते हैं थैलेसीमिया के मरीज हैं, बच्चे हैं, उनको ब्लड डोनेट किया जा रहा है, ब्लड उनको दिया जा रहा है। उन रक्तदाताओं को भी मैं सलाम करना चाहूँगा जो समय समय पर खून दान करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये छोटे छोटे बच्चे जिंदा हैं। एक यूनिट दान करने से 3 जिंदगियां बचती हैं। तो यहाँ पर मानव सेवा संगम के प्रधान हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इस हॉस्पिटल में कितने बच्चों को जो थैलेसीमिया के मरीज हैं उनको खून दिया जाता है और कहां कहां से वो परिवार आते हैं। परिवारजनों से भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बलवीर राम है जी। कहां से आए हो? मीरा गाँव से रतिया तहसील है जी। बीमारी है आपके बच्चे? सर मेरे बच्चे को थैलेसीमिया है, जहाँ संगम हॉस्पिटल से फ्री ब्लड मिलता है, हमारे को फ्री लगा के देते हैं और फ्री हमारी देख रेख करते हैं जी, कोई हमारे से पैसा नहीं लिया जाता सर। महीने में 2 बार लगभग मैं आता हूँ जी। कोई दिक्कत आती है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं जाने में, ना जहाँ हॉस्पिटल से कोई दिक्कत है ना आने में दिक्कत है सर। रहने की खाने पीने की कोई दिक्कत? नहीं जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम ऋणी है इस हॉस्पिटल का, जो हमारे बच्चों को जो ब्लड देते हैं, और ऋणी उनका हूँ जी जो ब्लड दान करते हैं, दाता है वो जी, हमारे लिए हमारे बच्चों लिए असल दाता वो है जी। भगवान इनको चढ़ती कला में रखे जी। कितने दिन से आपके बच्चों को? मैं 18-15 दिन बाद आता हूँ जी, 15-18 दिन बाद मेरे बच्चे को झुंड लगता है ब्लड। ये दिक्कत कितने दिन से चल रही है? सर जन्म के 6 महीने बाद पता चल गया था जी। किस प्रकार क्या सुविधा है या देने की, क्या किसी की फरमाइश चलती है? नहीं सर, जहाँ कार्ड बना हुआ कार्ड के तहत आते हैं हम, कार्ड दिखाते हैं और फ्री हमारी एंट्री होती है जी, कोई उसमें पैसा नहीं लिया जाता जी, कोई फीस नहीं लगती जी, फ्री मिलता है हमारे को ब्लड। प्रधान जी से भी बात करेंगे। सर रियल न्यूज हरियाणा पे स्वागत है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस ये थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की कवरेज करी है। देखिए हम आपको बता देते हैं, ये कवरेज हम कोई ऐसे नहीं कि इस हॉस्पिटल की बड़ाई करने के लिए स्पेशल ही आए हैं, लेकिन जो मानवता की सेवा करता है हमारा भी फर्ज है उसको दिखाना, ताकि 4 लोग और देख के इन बच्चों के लिए खून दान करने यहाँ आए। सर थैलेसीमिया के मरीजों को यहाँ पर खून दिया जाता है, कितने मरीजों को दिया जाता है, कितने बच्चे हैं और किस प्रकार दिया जाता है? 56 के लगभग बच्चे हैं हमारे पास जो थैलेसीमिया के पीड़ित हैं, जिनको महीने में 1 बार या 2 बार चढ़ता है। हमारे यहाँ 60 से 70 यूनिट पर मंथ ब्लड जाता है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को, जिनसे हम कोई नया पैसा नहीं लेते, और इससे भी आगे हम चढ़ाने के लिए अलग से, आप देख ही रहे हैं ये कमरा है, बाहर उसके ऊपर लिखा भी है हमने कि ये थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए अलग से है, तो यहाँ पे हम चढ़वाते हैं। और डॉक्टरों की देखरेख में बिल्कुल जो ओपीडी के सामने वाला डॉक्टर हैं हमारे, वो यहाँ पे देख रेख करते हैं। हम थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जो ब्लड देते हैं, ब्लड लोगों से आता है, उन रक्तदानियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हर समय ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या कहेंगे सर, कितनी इनसे चार्ज लिया जाता है, फीस कितनी ली जाती है? इनसे एक नया पैसा सेवा आप कर रहे हैं। हमने 5 साल पहले जब हमने मानव सेवा संगम ब्लड बैंक की स्थापना की, उसी समय हमारे पास जो संस्थाएं हैं शहर की वो आई, उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए क्या रहेगा। हमने कहा जिस तरह से बैठ के बात करते हैं, उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ब्लड देना है। हमने कहा ठीक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देंगे, और ये जो बच्चे हैं इनको चढ़ाने का बाहर के सभी हॉस्पिटल 500 रुपये लेते थे। हमने कहा बिल्कुल नया पैसा नहीं लेंगे, और डॉक्टर की देखरेख में हम यहाँ पे उनको चढ़ाते हैं। सर रक्तदाता रक्तदान करने के लिए आते हैं, सबसे बड़ी सेवा रक्तदान की मानी गई है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनका तो जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। आधी रात को भी अगर हम कॉल करते हैं तो आधी रात को दौड़े आते हैं हम
उनका सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मानव सेवा संगम अपने नाम के अनुरूप चल रहा है और मानवता की सेवा कर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ बच्चे के साथ आए परिजन भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या कहें, कहाँ से आए हैं आप? दीवाना गाँव से आए हैं। क्या कहेंगे आपके बच्चे को जो बंद दिया जा रहा है संगम में, इसको लेकर कब से ले रहे हैं आप? ये हमारे बच्चे को 5 साल हो गए जी, थैलेसीमिया में आए, ब्लड चढ़वा रहे हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे जो हॉस्पिटल में आपको फ्री मिल रहा है? फ्री मिल रहा है जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेते हैं हमारे से जी। तो क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में? जी बहुत अच्छा है हॉस्पिटल हमारे लिए, जो दान दे रहे हैं हमारे बच्चे को बचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं परिजनों ने संतुष्टि जताई है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डोनेशन या इनसे चार्ज नहीं लिया जाता, और उन रक्तदाताओं का भी परिजनों ने धन्यवाद किया है जो खूनदान करते हैं। चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक वर्ल्ड बैंक में आके आप भी खूनदान करें और किसी न किसी की ज़िंदगी आप भी बचाने में सफल रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के लिए। जय हिंद, जय भारत।